बुल्ढाणा जिले के खामगांव के एक 33 वर्षीय व्यक्ति नीलेश दूर्ग का स्टॉल वर्तमान में एक अभिनव चाय स्टॉल के रूप में सुर्खियों में है। नीलेश दूर्ग 7 साल से फोटोग्राफी के बिजनेस में है और फिर उन्होंने अपना चाय का बिजनेस शुरू किया। शहर में गुड़ की चाय के साथ अलग अलग फ्लेवर्स की चाय की दुकानें हैं, इसीलिए उन्होंने कांच, मिट्टी या प्लास्टिक के कप का उपयोग करने के बजाय बिस्कुट के आटे जैसे सामग्री से बनी हुई कप में चाय बेचना शुरू कर दिया, ताकि लोग उसे पी सके और खा भी सके। उन्होंने यह पहला अभिनव प्रयोग न केवल शहर में बल्कि जिले में भी किया और यह सफल भी रहा। चाय हम सभी के लिए एक अंतरंग विषय है, लेकिन अगर आप इस चाय को पीने के बाद चाय के साथ कप भी खाने को मिले तो आपको विश्वास नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा के दौर में टिके रहने और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए बुल्ढाणा के एक युवक ने एक अजीब जंग लड़ी है और इसे ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। युवा से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक, हर कोई चाय का शौकीन होता है। कुछ लोगों को चाय की लत भी लग जाती है। हाल के दिनों में कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन, कप और प्लास्टिक के कप पुराने हो गए हैं, जो अक्सर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो सभी कारकों पर विचार करते हुए नीलेश दुर्ग ने कुछ अलग करना चाहा। उपभोक्ताओं को अब बेहतर विकल्प भी मिल रहे हैं। कई युवा विभिन्न व्यवसायों की विफलता से निराश प्रतीत होते हैं, लेकिन जो जानते हैं कि दुनिया में क्या बेचना फायदेमंद होगा, वही लोग सफल होते हैं। मैं मेरे पापा के साथ यहाँ पे चाय पीने आई थी, तो मैंने बोर्ड पे देखा कि यहाँ पे खाने वाला कप है और पापा ने एक कप चाय का कप बुलाया और पापा और मैंने चाय पी। पापा बोले कि चाय पी कप खाओ, तो मुझे कप खाना अजीब लगा। फिर मैंने खा के देखा तो मुझे कप बहुत अच्छा लगा। आप भी यहाँ पे कप खाने आओ और चाय पियो। नमस्कार, माझा नाव नीलेश सारंगर दुर्गे, राहणार खामगाव तालुका, खामगाव जिल्हा बुलढाणा। आपल्या खामगाव शहरामध्ये पहिल्यांदाच असं चायची माझी माणुसकी हॉटेल म्हणून चायची दुकान आहे। मी हॉटेल चालू केल्यानंतर माझ्या मित्राने श्री अभिजित चव्हाण यांनी मला सांगितले की पर्यावरणपूरक असं काहीतरी वेगळं चालेल का, चहासोबत चहा प्या आणि कप खा। तर वेगळी काहीतरी कल्पना वाटली, त्याने सुचवल्यानंतर मलाही चांगलं वाटलं की बा ट्राय करून बघू आपण की प्लॅस्टिक पर्यावरणपूरक आहे, तर थोडं वेगळं काहीतरी आपल्या गावामध्ये येऊ राहिलं तर ठीक आहे म्हटलं करून बघू। तर आणल्यानंतर 8 दिवसानंतरच असा रिस्पॉन्स भेटला की बढिया एकदम, कारण लोकांना आता ते प्लॅस्टिक आणि काचाचे कप वगैरे सोडून याच्यावर जास्त भर देऊ राहिले। माझी गिरायकी पण खूप वाढली। पहिले माझे जो चहा जात नव्हता, आता हे लहान मुलं कपल वगैरे येतात, खातात, खूप छान रिस्पॉन्स भेटत आहे आणि सगळे चांगलं वाह करत आहे। तुम्ही पण या, अवश्य भेट द्या। माणुसकी हॉटेल आपला जलम रोड महाले हॉस्पिटल समोर आहे। कप आहे, आपण जे पहिले कप प्लॅस्टिकचे वापरत होतो ते लोक फेकून देत होते रस्त्यावरती, ते रस्त्यावरती कप फेकल्यानंतर जनावरं येत होते, जनावरं ते कप खात होते, त्याच्यामुळे दगावत होते, काही जनावरं दगावलेली आहे। त्याच्यामुळे आपण हा जो कप आणलेला आहे हा असा आहे की म्हणजे चहा पिल्यानंतर डायरेक्ट खाऊन घ्यावा लागतो, म्हणजे फेकण्याचं काम नाही आहे। तर तुम्ही अवश्य भेट द्या एकदा। नमस्कार, धन्यवाद। सेजंत आहे, माझं नाव पूनम इंगडे आहे आणि मी एलआयसी मी माझ्या बँककडे जात असताना जलम रोडकडे मला माणुसकी हॉटेल दिसली आणि मला तिथे चहा घ्यावा असं वाटलं आणि तिथे मी पाहिलं की नवीन कॉन्सेप्ट दिसली मला। तर चहामध्ये कप नसताना एक पर्यावरणला वाचवण्यासाठी एक चांगल्या पद्धतीने इथे चहा दिला जातो आहे आणि त्याची टेस्ट पण खूप चांगली आहे, छान आहे। तर तुम्ही पण एकदा लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।